फिर हमने सोचा कि जगह जगह जाकर के हम प्रचार करें, तो उसी आधार से हम औरंगाबाद गए हुए थे। औरंगाबाद में हमने सत्संग किया, ये प्रमाण प्रोजेक्टर पर दिखाए, तो 2-3 दिन से लगातार पुण्यात्मा आ रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। तो 5-7-10 भक्त उसमें बहन भी थे, भाई भी थे, तो वो कहने लगे जी हम नाम लेना चाहते हैं। फिर हमने उनको वो नियमों की लिस्ट दिखाई, ये भी नहीं पूजना, ये भी नहीं करना, पिंडदान भी नहीं करना, श्राद्ध भी नहीं करने। न्यू बोले न्यू क्यों करे रतरा के जो बोलियो, अब 4-5 दिन का सत्संग था, 4 दिन हो गए तुमने सुनता ने, और यही प्रमाण दिखा रहे हैं। गीता जी में मना है, इसलिए नहीं करते, नहीं करना। न्यू बोले आपने तो हम कितना जोगे नहीं छोड़े, क्यों? क्योंकि वो साधना तो जो आप हम करते थे वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब रुचि बने को नहीं, और आप नाम देते नहीं, बताइए क्या करें। मैंने कहा नाम क्यों नहीं देते, जो मर्यादा है वो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नाम नहीं चलेगा। जो बोले हम श्राद्ध भी निकाल दे रहेंगे, आपका नाम भी लेते रहेंगे, और तेरा गजब भैयो अलवा बनाकर उसमें बालू रेत गिरना, काहे की समझदारी, क्यों बनाओ फिर, क्यों किस लिए खोआ उस अलवे गीनर है आटे ने। ये पूजाएं करनी गीता जी में मना है, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना, और भी जो कोई क्रिया हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको मोक्ष होता, ना उनको कार्य सिद्ध होता, फिर किस लिए डले डो। ने बोले फिर देखांगे थे, वहां फिर देख ली, फिर हमारा उड़ा जाना होया ना, क्योंकि इन यहां भी रोड़े मचा दिए, हम अपना आश्रम में बैठ गए, आश्रम में भी ना सुवाए इनने, ये तो रोग काट दिया इसने, तो हमारा सब की पोल खोल दी हैं, क्यों वो चेले सुने हैं वहाँ जाके बताओ, हर उनसे बात करते हैं कि तुम क्या बता रहे हो, वो कहते हैं कौन कह रहा है, कौन वो अन्यों ना मानते कि हम गलत कह रहे हैं, देखते कौन बता रहा है ये बता। तो पुण्यात्मा आपका सौभाग्य है कि ये तत्व ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है, कि उस कबीर परमेश्वर की रजा है। तो ऐसे धर्मदास जी को ज्ञान समझ में भी आ रहा है और फिर भी बीच में डंगे पा रहा है, कुछ ना कुछ कहता है, तो आखिर में सारी बात भी समझ में आ जाती, जो कि महाराज जी और आपकी बात सारी सच्ची, पर ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा दिल हटता कोई ना। परमात्मा बोला कुएं में पड़ भाई ना हटता तो तू पूज ले, न्यू कह करके और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर रोया बुरी तरह टक्कर मार मार के, रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, बेग कल्प करे और मन में रोवे, दशा दसो दिशा को वो मगजो है। जब परमात्मा ऐसा प्रमाण दे रहे हैं, समक्ष ज्ञान सच्चा बता रहे हैं, हृदय स्वीकार भी कर रहा, लेकिन फिर यो मन फिर क्रांति कर गया है, उस कारण से फिर उसने जो भगवान चले गए कि भी बिरानी कहाँ मिल लेंगे, एक ना मिल लेंगे, फिर लगा बुरी तरह रोने, उस अपने उस पूजा को त्याग कर घर की तरफ चल पड़ा और रो रहा है कि भगवान कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, कहीं इधर तो नहीं चले गए, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुप गए, कल्प करे और मन में रोवे, दसो दिशा को वो मगजो है। परमात्मा कल्प करे और मन में रोवे, दसो दिशा को तिस मग वो मगजो है, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध ग्रह कूपा। हे भगवान हमने तो आपको मनुष्य जैसा मान रखा था, मैंने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान रखा था, और हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, अंधा कुआ है,
इस या कदे भी नहीं समझ सकती। भगवान आपने इतने प्रमाण दिए। हम तो मान स्वरूप तम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य जाना था भगवान, अब मुझे नो बता दो आप कहां चले गए। अब बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जी हूं सुनो विधाता। कहते या तो मुझे मिल जाओ ना मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। हे भगवान हे विधाता, अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जी हूं नहीं अवगत राया। आपने मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान सुना दिया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साही, फिर मोकू कहा मिलो गुसाई। कि तुम तो सचमुच परमात्मा थे, अब मुझे फिर कहा मिलोगे मुझे ये बता दो। बोलो सतगुरुदेव की जय। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि ये अमृतवाणी है। इस कथा के आधार से हमें पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान को जानना है और धर्मदास और परमात्मा कबीर साहब का जो संवाद है ये पूर्ण निर्णय कर देता है, तत्व ज्ञान का पूरा निष्कर्ष निकल जाता है। सत साहेब कर जोरूं विनती करूं, दरों चरण पर सीसे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिद्धदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूं जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किस की शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू,
दूर दूर करो तो जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुखूं।